Hey guys, this is Zakir here. बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल आई टॉक्स में। तो गाइज आज हम बात करने वाले 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के बारे में। गाइज मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो तो लेट है क्योंकि मैं इस एग्जाम के डर से गांव भाग गया था, तो फिर से आ गया हूँ। 12वीं वालों का कुछ का एग्जाम खत्म हो चुका है और 10वीं वालों का भी फिलहाल चालू है, तो थोड़ा लेट वीडियो है लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखो। आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, 10वीं और 12वीं 12th के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आते हैं हमारे जो टॉपर होते हैं पढ़ाई वाले, उनके ऊपर आते हैं तो इनकी वजह से ज्यादा काम खराब होता है। इनके टॉपर लोगों को तो ये भी नहीं पता हो कि उनके सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि पढ़ाई के बारे में एक दुनिया है भाई, कुछ नहीं मालूम होता उनको। अगर आप इन टॉपर्स को जानना चाहते हो ना, तो आप खाली एग्जाम हॉल में इनसे पूछना कि भाई तूने क्या पढ़ा, तो वो क्या बोलेगा मालूम है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर क्या लिखने का पेपर में यार, क्या लिखेगा तू पेपर में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और अगर तेरे कॉपी करने नहीं मिला और तू फेल हो गया तो क्या करेगा? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। वाह यार भाई सही है, बहुत अच्छा काम कर रहा है फिर तो तू। टॉपर को छोड़ो, सेकंड टॉपिक पर आ जाते हैं। पेरेंट्स यार, हमारे पेरेंट्स है ना, हम जैसे स्टूडेंट तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठते हैं, और अगर एग्जाम के एक दिन पहले हम पढ़ने बैठे ना, तो अगर ज्यादा ही बुक लेके बैठे हैं तो पेरेंट्स बोलेंगे ज्यादा दिखावा मत कर बेटा पढ़ाई करके, बुक लेके बैठा तो क्या ज्यादा पढ़ने लग जा, तो दिखावा कर रहा है। हम नहीं बैठो तो बोलेंगे तू पढ़ता नहीं है, नाम खराब कर देगा, अरे क्या करूं, थप्पड़ मारूं अपने दो मर जाऊं। तो गाइस आ जाते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर। थर्ड पर आते हैं हमारे जो है सबसे बड़े दुश्मन, वो है ट्यूशन टीचर। तो क्योंकि देखो ट्यूशन टीचर लोग बोलेंगे पढ़ते नहीं हम, चलो कोई बात नहीं आप, हमें ट्यूशन टीचर बुलाएंगे। और ट्यूशन टीचर का टाइमिंग क्या रहेगा? मेरे ट्यूशन टीचर का टाइमिंग क्या था मालूम? सर बोलेंगे सुबह 11 बजे आओ, सीधा रात में 10 बजे छोड़ेंगे, 11 घंटा। और यार ट्यूशन है कि जेल है, 11 घंटा कौन पढ़ाता है भाई? 11 घंटे में तो आदमी पागल हो जाएगा यार, तो वैसे पढ़ाई नहीं, ऊपर से 11 घंटा। टीचर छोड़ दो ना टीचर प्लीज, कब से बैठो टीचर प्लीज छोड़ दो, आप मेरा कपड़ा ले लो, लेकिन मेरे को छोड़ दो प्लीज, लो कपड़ा ले लो, बहुत महंगा कपड़ा है टीचर, ले लो छोड़ दो, मैं नहीं पढ़ा जा रहा है यार, नहीं पढ़ पाऊंगा। जब बोर्ड के पेपर चालू होंगे 2 बजे, बंदा पेपर दे के आ रहा है 2 बजे, छूटता 3 बजे तक घर पे आ, तुरंत खाना पीना खाकर ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाओ तो सीधा रात में 10 बजे। फिर अगर रात में 10 बजे हम पढ़ लिख के आए, फिर घर वाले बोले जल्दी खाना का, फिर पढ़ाई करना है, फिर अरे यार पढ़ाई 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 कितनी पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद में ऐसे ही हमारे एक दोस्त का फोन आ जाता है, और दोस्त फोन पर क्या बोलता मालूम है? जाकिर तेरा कितना चैप्टर कम्प्लीट हुआ? मैंने तो 4 बार रिविजन भी कर लिया यार, अब खेलने का मन कर रहा, बहुत पढ़ लिया, चल खेलते, खेलने चलेगा क्या? चल रख। और गाइस मैं इससे अच्छा तरीका आपको कोई नहीं बता पाएगा कि पेपर में पास कैसे होना है, तो दिल थाम के बैठो और सुनो, पेपर में पास कैसे होना। आपको पेपर में पास होना है ना, तो क्या करना होगा मालूम है? जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं करने से पास हो जाऊंगा। पास क्या यार, अगर इतना कर लिया तो टॉप मार दोगे तुम लोग, बताओ क्या करना है? मैंने भी वही करा था, पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो, और क्या करोगे? हती आ रही है, पढ़ाई करो तभी पास होगे ना, ऐसे थोड़ी ना बोल दूंगा, कोई मंत्र फूंक के थोड़ी मार दूंगा कि तुम लोग पास हो जाओगे। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही, कैसी लगी वीडियो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, रोज का बोलना है तुम लोग करो, कर दो यार, गरीब को याद रखा करो, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दिया करो। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, खुदा हाफिज़, बाय।